हाँ जी गाइस, स्वागत है आपका आज एक इस नए वीडियो सीरीज में। और आज हम बात करेंगे कि जो डिक्शनरी में आप चीजें ऐड करते हैं उनको कैसे एक बड़े यूनिक तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली आपने देखा होगा कि हम डिक्शनरी में, अगर आपको, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप कलेक्शन लूप्स वगैरह रन कर सकते हैं, फॉनेक्स लूप रन कर सकते हैं, और उसके थ्रू आप एक्सेल पे अपना डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं, राइट। एक और तरीका है, मैं इसके बारे में आज बात करूंगा, और इसमें हम एक और चीज इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे जो हालांकि डिक्शनरी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स, अगर आपको मालूम हो, इमीडिएट विंडो भी यूज करते हैं डीबगिंग के लिए। जैसे लोकल विंडो और आपका वॉच विंडो तो होता ही है, लेकिन एक इमीडिएट विंडो भी होता है। तो उस पे कैसे आप इस चीज को यूज कर सकते हैं विदाउट गोइंग इन द एक्सेल, और उसका क्या एक्चुअली यूज होता है, तो उस पर भी बात करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो नंबर 5 हम यूज करते हैं। सो बेसिकली इसमें मुझे आपको ये बताना है कि किस तरीके से आप वो जो वैल्यू है वो स्टोर कर सकते हैं। सो एक अलग मेथड है इसका, ठीक है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, स्टोर वैल्यूज। ठीक है, कैसे हम स्टोर करेंगे, तो डिक्शनरी क्रिएट करते हैं सबसे पहले फटाफट। डिक्शनरी DICT, लेट्स से मैं एक डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ, या फिर हम कोई पुराना ही कोड उठा लेते हैं क्योंकि टाइम सेव होगा हमारा। तो ये सीरीज उम्मीद करता हूँ आपने सारी देखी होंगी। इसमें मैं ये फर्स्ट आपके कुछ कोड्स हैं ये पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और इसमें हमें इसकी जरूरत नहीं है टेक्स्ट कंपेयर की। अगर आप नए नए चैनल से जुड़े हैं तो स्वागत है आपका इसमें चैनल में, और मेरा नाम अजय परमार है। ये हमने डिक्शनरी की एक सीरीज स्टार्ट की थी, काफी स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि सर डिक्शनरी पे बात कीजिए क्योंकि डिक्शनरी पे इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, आर्टिकल्स उन्होंने पढ़े होंगे, मैंने भी पढ़े थे वैसे, तो उसके बारे में थोड़ी बात कीजिए, वो क्या है, वीबीए में किस तरह यूज होता है। तो बेसिकली डिक्शनरी वीबीए के अलावा और भी काफी लैंग्वेजेस में यूज होती है, तो अगर आपको यहाँ से इसका कंसेप्ट क्लियर होता है तो आप और लैंग्वेजेस में भी इसकी आपको बेनिफिट होगा, राइट। तो मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, ये मैंने इसको रन कर दिया, और इसको वॉच विंडो में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, वॉच विंडो में ऐड करने के बाद आप यहाँ पे देखें, आपके डिक्शनरी में हमारे सब्जेक्ट वगैरह ऐड हो गए हैं, राइट। और ये आपके, आपको मालूम है ये कीज है, यूनिक कीज है हमने बनाई है, और इन कीज में ये आपके एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, आइटम्स पड़े हुए हैं। अब आप कैसे, एक और बड़ा अच्छा मेथड होता है, कई बार हम इसको भी यूज करते हैं, आप किसी एक वेरिएबल में भी इसको स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि माई वैल्यू एज स्ट्रिंग, ठीक है, सो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो माई वैल्यू है दैट इज इक्वल टू माई डिक्शनरी, इस तरीके से। ठीक है, अब इसको एक बार मैं यहाँ से हिट करता हूँ, इसको एक बार मैं दोबारा रन करता हूँ। आई एम सॉरी, इसमें एक चीज मैं लिखना भूल गया, आइटम्स। ठीक है, ओके, इसको मैं दोबारा एक बार रन करता हूँ, यहाँ पे ब्रेक कोड डाल, तो इसको हिट करते हैं, और मैं यहाँ पे माई वैल्यू को भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, सो बेसिकली आप यहाँ पे देखें, माई वैल्यू वेरिएबल है नॉर्मल एक, लेकिन कभी आपको अगर एक साथ किसी वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर करने हो, मतलब एक्सपोर्ट करने हो, आप कह सकते हैं, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं डिक्शनरी और डॉट आइटम्स। जब आप इसको रन करेंगे और टाइप मिसमैच का एरर आ रहा है, एक चीज, एक काम करते हैं, आई थिंक ये डेटा टाइप आपका वेरिएंट होना चाहिए, स्ट्रिंग में वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। टाइप मिसमैच का मतलब ये है कि जो आपने डेटा टाइप दिया है वो एक्चुअली उस वेरिएबल पे फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, इसके बारे में मैंने पहले भी बात की है वेरिएबल सीरीज में, एरर्स देख के आपको चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं। और तो मैं अब इसको रन करता हूँ, और रन करके यहाँ पे देखेंगे भी हम, ऐसा नहीं है कि हम इसको छोड़ देंगे, मैंने बोल दिया कि हाँ भाई ठीक है, इसको स्ट्रिंग को वेरियंट लिख दीजिए, क्योंकि वेरियंट तो आपको पता ही होगा वीबीए डिसाइड करेगा आप सारा कुछ, तो यहाँ पे ये आपका वेरिएंट आएगा। अब देखने वाली बात ये होगी वीबीएस में क्या करता है, तो वीबीएस में आप देखें, मुझे अपनी गलती भी पता लगी, एक्चुअली स्ट्रिंग हो नहीं सकता है बिकॉज माई वैल्यू में आपका ये एक तरीके से एरे क्रिएट हो गया। ठीक है, 0 to 3 उसने नंबरिंग दे दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस है, काफी स्टूडेंट्स को शायद ये देखने में बड़ा एक न्यू लग रहा होगा, क्योंकि नॉर्मली वेरिएबल्स में, सिंगल वेरिएबल में सिंगल वैल्यू जाती है, बट आप जो ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी का डॉट आइटम्स जो इसका ये मेथड है, आप ये भी यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक वेरिएबल में आप अपना पूरा एरे भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो अब फाइनली अगर आपका ये एरे बन गया तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इस माई वैल्यू में, अब ये माई, जो माई वैल्यू है आपका, ये बेसिकली माई वैल्यू सिर्फ एक वैल्यू नहीं है, राइट,
इसमें पूरे का पूरा आपका एलिमेंट्स जो डिक्शनरी के हैं वो एक्सपोर्ट हो गए हैं। तो आप इसको टेस्ट करने के लिए कि कैसे चलेगा, आप एक लूप लगा सकते हैं। सिंपल एक लूप लगाएं, डी डिम लेट्स से जे एज लॉन्ग फॉर जे इक्वल्स टू, आपको पता है जीरो से स्टार्ट होंगे और टोटल माई डिक्शनरी आप इसमें ये एक यूज कर सकते हैं काउंट प्रॉपर्टी। इससे आपको ये पता लग जाता है कि भी डिक्शनरी में आपके बेसिकली टोटल आइटम्स कितने हैं। और अब मैं इसमें एक चीज यूज कर रहा हूँ डीबग डॉट पेंट, ठीक है। ये स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा था इमीडिएट विंडो में आप इसका अच्छा एक यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली हम क्या इसमें प्रिंट करने जा रहे हैं, हम इसमें प्रिंट करने जा रहे हैं माई वैल्यू का जे। तो जे आपका जीरो से स्टार्ट होगा, वन टू थ्री फोर ऐसे चलेगा, राइट। सो अब इसको कैसे यूज करेंगे, इसको मैं रीसेट करता हूँ एक बार, दोबारा से रन करते हैं। और ये ब्रेक कोड मैंने डाला और इमीडिएट विंडो के लिए आप व्यू में जाएं। और इमीडिएट विंडो पे शायद मैंने कभी अपने पूरे वीबी सीरीज में बात नहीं की है, इमीडिएट विंडो कंट्रोल जी भी आप यूज कर सकते हैं वीबीए विंडो पे। सो कंट्रोल जी भी प्रेस कर सकते हैं और व्यू में जाके आप यहाँ से भी इसको ऑन कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपको यहाँ दिख जाएगा, जनरली एम्प्टी होता है फर्स्ट टाइम, थोड़ा सा स्पेस देते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये। वैसे आप इसको बाहर भी खींच सकते हैं, आप यहाँ भी खींच सकते हैं, ठीक है। जो इमीडिएट विंडो होता है ना गाइस, वो बेसिकली क्या होता है कि कई बार आप छोटी मोटी कैलकुलेशन करते हैं तो उसके लिए एक्सेल में जाने की जरूरत नहीं है, इमीडिएट विंडो से ही आपको काफी चीजें पता लग जाती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे ये चेक करना है कि 23.4 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये देखिए, एक्सेल में जाने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, वीबीए प्रोग्रामर्स वीबीए विंडो में बैठे हैं तो एक्सेल में जाना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, राइट। तो आप ये यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क डालना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन मार्क नहीं डालेंगे और डायरेक्ट आप एंटर करेंगे, ये अलाउ नहीं करेगा, राइट। ये तो नॉर्मल एक कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है, बट इसमें आप और भी चीजें कर सकते हैं। मतलब आप किसी सिंटेक्स को भी चेक कर सकते हैं। जैसे सपोज अब जैसे आप मान के चले यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को रन कर देते हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अगर मैं पूछूं कि मुझे ये बताइए कि जो डिक्शनरी है उसका जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है या सेकंड एलिमेंट है उसका नाम क्या है, राइट। तो डिक्शनरी का सेकंड एलिमेंट कैसे निकालते हैं आपको याद होगा, राइट। डिक्शनरी का सेकंड एलिमेंट हम निकालेंगे, डिक्शनरी का आप नाम लिखेंगे और आइटम्स लिखेंगे, राइट। और आइटम्स के बाद जो भी वो एलिमेंट है, जीरो से स्टार्ट होता है तो वन आपका टू हो जाएगा, राइट। अब मैं एंटर मारता हूँ और एंटर मारते यहाँ पे कुछ बना नहीं, क्वेश्चन मार्क डालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क डालने के बाद इसको एक बार मैं दोबारा से हिट करता हूँ, रन करता हूँ। सॉरी गाइस, बीच में एक्सेल क्रैश हो गया था, मैंने जस्ट रीस्टार्ट किया है। तो ये आपका पूरा माई वैल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, राइट। और ये वेरिएबल है, राइट। तो मैं आपको ये बता रहा था, इमीडिएट विंडो पे आप क्वेश्चन मार्क लिख के ये आइटम्स लिख के एंटर मारते हैं अगर, तो आपको इमीडिएटली यहाँ से भी पता लग जाएगा। तो यहाँ से भी आपको पता लग जाता है कि एक्चुअल में कैलकुलेशन क्या है, राइट। तो इमीडिएट विंडो भी काफी यूजफुल है। और एक और चीज है जो अगर आपको यहाँ पे कुछ प्रिंट करके देखना है तो आप डीबग डॉट प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये डीबग डॉट प्रिंट क्या करता है, ये आपके इमीडिएट विंडो में सब कुछ प्रिंट कर देगा। अगर आपका इमीडिएट विंडो इसमें क्लोज होगा तो आप देख नहीं पाएंगे। तो अभी हम इसको रन करते हैं तो आप इसमें देखें कि मेरा जो डीसी काउंट है दैट इज 4। और अगर इसमें आपने आप इसमें देख सकते हैं बेसिकली आइटम्स इसके 4 हैं और ये 4 है, तो 0 से स्टार्ट होगा तो 5 तक जाएगा। तो आप इसको बैलेंस करने के लिए -1 जरूर करें, ठीक है, नहीं तो एरर आ जाएगा। और आप जैसे मैं इसको रन करूंगा F5 करता हूं, आप देखें ये सब्सक्रिप्ट आउट ऑफ रेंज हो गया। इसी वजह से सब्सक्रिप्ट आउट ऑफ रेंज का मतलब ये होता है बेसिकली वीबी को आपको वो ऑब्जेक्ट नहीं मिला, तो ये जे एक्चुअली 4 हो गया था। और डिक्शनरी में 4 आपका जो पोजीशन है वो नहीं है क्योंकि टोटल अगर आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं तो इंडेक्स लास्ट वाले का 3 होगा, राइट। सो मैं इसको दोबारा रन करता हूँ और इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं, नहीं तो वो उसके नीचे प्रिंट भी हो जाएगा वैसे तो, बट इसको रन करते हैं। आप देखिए मैंने -1 करके उसे बैलेंस कर दिया था, ठीक है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्सेल फुल ऑनलाइन और एक्सीलेंट ये आपके जो एलिमेंट्स है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस तरीके से भी चल सकते हैं कि एक सिंगल आपने यहाँ पे ऐसे वेरिएंट डेटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया और उसके बाद जब आप उस वेरिएबल को डीसी डॉट आइटम्स के थ्रू यूज कर लेते हैं तो वो एक तरह से एरे बन जाता है, राइट। और उसके बाद आप उसमें लूप चला के उसके एलिमेंट्स भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, अपने इस सपोर्ट को बनाए रखें, चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज जितने आप लाइक्स करेंगे कमेंट्स करेंगे चैनल पे और स्टूडेंट्स आएंगे,
ये सीरीज कभी खत्म नहीं होने वाली सीरीज होंगी, आगे भी बहुत कुछ है। और इसके बाद हम एक और नई सीरीज लॉन्च करेंगे, बट अभी हमें इसमें प्रोजेक्ट्स करने हैं। तो ठीक है, मैं आपसे बहुत जल्द मिलता हूँ और करते हैं बात डिक्शनरी पे। बाय बाय, थैंक यू।